जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की रिहाई के लिए लगातार आंदोलन जारी है। पूरे प्रदेश में पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता बिहार सरकार से पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग कर रहे हैं। आज पटना आर्ट कॉलेज के सामने राजू दानवीर के नेतृत्व में जनाधिकार युवा परिषद और छात्र परिषद के द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जनाधिकार युवा परिषद के अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि हमारी लड़ाई जारी है, अगर अविलंब पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई तो बिहार में उग्र आंदोलन होगा। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर सरकार की साजिश के बारे में बताएगा। युवा परिषद के अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि पप्पू यादव की लोकप्रियता दोनों को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उन्हें फर्जी मुकदमे में जेल भेजने का काम किया गया। अगर अविलंब पप्पू यादव की रिहाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साजिश रचकर पप्पू यादव को जेल भेजने का काम किए हैं। पप्पू यादव स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है, छात्रों और युवाओं में गुस्सा है। पप्पू जी की रिहाई तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। युवा और छात्र द्वारा आयोजित इस अर्धनग्न प्रदर्शन में सचितानंद यादव, अनिल पासवान, राजीव कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, अमित जायसवाल, मोनू कुमार, संतोष यादव, राजीव रंजन, नीतीश कुमार, आशीष कुमार, भानु यादव, चंदन कुमार, अमरनाथ कर, बिट्टू कुमार, मुकेश कुमार मौजूद थे।